सात दशकों में सब कुछ बेचा जा रहा है, अगर नहीं बना था तो बिक कैसे रहा है? देखिए ऐसा है कि साल 2006 में एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की, तब क्या राहुल गांधी की माताजी देश बेच रही थी? 2008 में रेलवे स्टेशन का RFP, उसको मोनेटाइज करने का कांग्रेस की सरकार ने निकाला, तो राहुल गांधी का क्या आरोप है कि उनकी माताजी देश बेच रही थी? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को मोनेटाइज करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, 8,000 करोड़ रुपया उनका लक्ष्य था। उस वक्त क्या वो सड़क, रेल, एयरपोर्ट, देश बेच रहे थे? जाहिर है कि डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन के बीच शब्दों का हेर फेर आप समझते हैं। उनको वही तो मैं कह रही हूँ, शब्दों का फेर उनको समझ नहीं आता। प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री की वो देखते नहीं, सुबह का अखबार वो पढ़ते नहीं, सोशल मीडिया पे जो तथ्य है वो उनकी जानकारी में नहीं है।